भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। अब तक 7.57% मतदान हुआ। सीएम ममता बनर्जी और बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल के बीच मुकाबला। नंदीग्राम से हारने के बाद ममता की अग्नि परीक्षा। बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल बोली, उम्मीद करती हूं निष्पक्ष चुनाव होंगे। भवानीपुर उपचुनाव में हिंसा की आशंका को देखते हुए सुरक्षा बलों की 20 कंपनियां तैनात। भवानीपुर के अलावा जंगीपुर शमशेरगंज में भी वोटिंग। 3 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। सिद्धू के पास अपने इस्तीफे पर पुनर्विचार के लिए आज शाम तक का वक्त। कांग्रेस आला कमान ने दिया अल्टीमेटम। सीएम चन्नी भी सिद्धू को मनाने नहीं गए पटियाला। नए अध्यक्ष पद के लिए सांसद मनीष तिवारी, सुनील जाखड़, रवनीत सिंह बिट्टू और प्रताप सिंह बाजवा के नाम पर चर्चा। रवनीत सिंह बिट्टू रेस में सबसे आगे। इस्तीफे के बाद भी झुकते नजर नहीं आ रहे सिद्धू। वीडियो जारी कर कहा, मैं अपनी आखिरी सांस तक सच्चाई के लिए लड़ूंगा। मैं सिद्धांतों से समझौता नहीं करने वाला। सिद्धू मामले में सीएम चन्नी का सधा हुआ बयान। कहा, पूरे मामले पर आलाकमान की नजर, जल्द निकाल लिया जाएगा हल। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी सियासी घमासान जारी। 15 से ज्यादा विधायकों के अचानक दिल्ली पहुंचने पर टीएस सिंहदेव बोले, सबको पता है प्रदेश में किस बात की है चर्चा। छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव ने कपिल सिब्बल और कैप्टन अमरिंदर पर साधा निशाना। कहा, अपना स्वार्थ देखने वाले कांग्रेस से हट जाएं तो इससे बेहतर कुछ नहीं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नवजोत सिंह सिद्धू पर कसा तंज। कहा, सिद्धू एक बड़े पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज फिर गृह मंत्री अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात। आखिरी दौर में प्रधानमंत्री मोदी से भी हो सकती है बातचीत। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह से घंटे भर बातचीत की। कृषि कानूनों को लेकर चर्चा हुई। कैप्टन शाह की मुलाकात से बढ़ी सियासी हलचल। पंजाब में अमरिंदर पर दांव लगा सकती है बीजेपी। कैप्टन के जरिए किसान आंदोलन का हल निकालने की होगी कोशिश। TV9 भारतवर्ष से बातचीत में बोले किसान नेता राकेश टिकैत, किसान आंदोलन को लेकर कोई भी ना करे कच्चा वादा। कानूनों की वापसी से कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैप्टन और शाह की मुलाकात पर निशाना साधा। कहा, दलित को सर्वोच्च पद देने से सत्ता के मठाधीशों के अहंकार को लगी ठेस। शाह का घर दलित विरोधी राजनीति का केंद्र। सिद्धू के इस्तीफे पर मचे घमासान के बीच कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने आलाकमान पर साधा निशाना। कहा, पता नहीं कांग्रेस में कौन ले रहा है फैसले। सिब्बल का समर्थन करते हुए गुलाम नबी आजाद ने सीधे सोनिया गांधी को लिखा खत। कहा, CWC की बुलाई जाए जल्द बैठक। सोनिया गांधी पर निशाना साधने पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा। सिब्बल के घर के बाहर प्रदर्शन कर अंडे और टमाटर फेंके। कपिल सिब्बल के बयान पर कांग्रेस नेता अनिल चौधरी का पलटवार। कहा, सोनिया गांधी हमारी नेता हैं, पार्टी के अंदर उठाने चाहिए थे मुद्दे। अजय माकन ने भी कपिल सिब्बल पर हमला बोला। कहा, पार्टी को नीचा ना दिखाएं, पार्टी में सभी की सुनी जाती है। सोनिया गांधी ने सिब्बल को बनाया था मंत्री। अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे का आज दूसरा दिन है। पहले दिन लुधियाना के बड़े कारोबारियों से चुनाव पर चर्चा की। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज शाम 4 बजे होगी मुलाकात। यूपी चुनाव को लेकर शिवपाल यादव ने तैयारी तेज की। अपने घर पर ओवैसी, ओम प्रकाश राजभर और चंद्रशेखर के साथ बैठक की। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की बड़ी तैयारी। प्रियंका गांधी ने सभी विधानसभा सीटों के लिए वॉर रूम बनाने का निर्देश दिया। उत्तराखंड में बीजेपी ने तैयारियां तेज की। अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक कर सभी 70 विधानसभाओं के बूथ प्रभारियों को जीत का मंत्र दिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे
सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।